मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीते शनिवार के दिन क्या हादसा हुआ था, जिस हादसे की वजह से कुर्ला में जो डिपो में स्थित दो हॉस्पिटल है, मरियम हॉस्पिटल और साथ ही साथ न्यू नूर हॉस्पिटल, जिसके डॉक्टर जो है इतना बौखला गए कि उन्होंने पत्रकार पर हमला किया। शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे कि 11 महीने की बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए लापरवाही हो रही थी, जिस लापरवाही की खबर को प्रकाशित ना करने को लेकर ये डॉक्टर इतने आग बबूले हो गए, और क्या लापरवाही थी। हम जो है वो 11 महीने के बच्चे के जो है पिता हमारे साथ मौजूद है, हनीफ भाई, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, जिस मामले को ना उजागर करे तब जो है डॉक्टर इतने बौखला गए थे, क्या मामला था पूरा? भाई, मेरे बेटे को सीजर अटैक आया था न्यू नूर हॉस्पिटल के सामने, तो मैं वहाँ पे उनको इमरजेंसी में उसे वहाँ ले गया, तो उसे वहाँ कोई सिरप पिलाया गया और कहा गया कि अब ये नॉर्मल है और इसे सेकेंड सीजर अटैक आ सकता है, तो इसे आप कहीं भी लेके जाइए या यहाँ, ये बहुत इमरजेंसी है। तो मैंने उसके बाजू में एक मरियम हॉस्पिटल है, नूर हॉस्पिटल के बाजू में, मैं उसे वहाँ ले गया, और वहाँ लेके जाने के बाद उसे डॉक्टर अजीम ने उन्हें बच्चे को देखा और उन्होंने उसके हाथ में आईवी लगाया और कहा कि यहाँ बेड खाली नहीं है, आप नूर हॉस्पिटल जाइए और नूर हॉस्पिटल जाके उसे एडमिट कीजिए, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ और मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो हमने फिर उसे इमरजेंसी में वहाँ पे कुछ करीब 4 बजे हम लोग ने उसे न्यू नूर हॉस्पिटल जो कुर्ला में है, वहाँ पे हम लोग ने उसके जस्ट बाजू में ही है, वहाँ पे हम लोग ने उसे एडमिट किया कि इमरजेंसी है, और वहाँ पे अजीम डॉक्टर ने बात करके हमसे एडमिशन फ़ीस भरवाया, वहाँ पे हमने एडमिशन फ़ीस भरा, उसे बेड दिया गया। लेकिन वो बच्चा मेरी माँ के गोद में ही था और उसे बुखार चल रहा था, तो उसे वहाँ पे 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे के बाद उसकी हालत और ज़्यादा वापस ख़राब हो गई, उसे बुखार आ गया और उसे वो शिवर करने लगा। तो मैं डॉक्टर को ढूंढने लगा कि अजीम डॉक्टर कहाँ है, तो अजीम डॉक्टर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि वहाँ के जो स्टाफ थे वो बोल रहे कि अजीम डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैं बोला डॉक्टर अजीम फ़ोन नहीं उठा रहे तो कोई दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट कीजिए या मेरे बच्चे को देखिए, मेरा बच्चा सीरियस है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसी से अजीम डॉक्टर देखेंगे, क्योंकि इन्हें अजीम डॉक्टर ने रेफ़र किया तो इसे अजीम डॉक्टर देखेंगे। तो मैं बोला सर अजीम डॉक्टर देखेंगे, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कोई देख लीजिए। वहाँ कोई भी उसको स्टाफ उसको देख नहीं रहा था। फिर लकीली वहाँ पे एक डॉक्टर अज़र करके कोई डॉक्टर थे, एजाज़ डॉक्टर वहाँ पे कोई दूसरे पेशेंट को देखने के लिए कोई इमरजेंसी के लिए आए थे, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि बोला सर मेरे बच्चे को देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अजीम डॉक्टर का डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं बोला अजीम डॉक्टर के मेरे बच्चे को तो आप देख सकते हो। उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे बच्चे को देखे गए और वही वक्त उसे सेकेंड सीजर अटैक भी आ गया, और सेकेंड सीजर अटैक होने के बाद फिर डॉक्टर ने जो भी अपना किया उसे, और उसे कहा गया कि अभी इसे फटाफट आपको PICU लगेगा, जो कि कुर्ला में 2 ही हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो वो टाइम पे फिर उन्होंने फिर नूर हॉस्पिटल ने एक यही काम किया कि उसने एम्बुलेंस अरेंज करके दिया और उसको वहाँ से हम लोग ने PICU में लेके गया, और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो कोहिनूर हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने उसे एडमिट किया। मतलब ये पूरे मामला में इस तरीके से ये हुआ कि 4 बजे से लेके रात के 10 बजे 9-10 बजे तक अजीम डॉक्टर ना देखने आए, ना बच्चे की हालत पूछी, ना उसके बाद आज तक, आज उस चीज़ को एक हफ्ता हो गया है, अभी तक उसने एक भी बार हमें फ़ोन करके कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि बच्चे की हालत कैसी है। मेरा बच्चा मौत के मुँह से बच के बाहर आया है। अभी मैंने डॉक्टर अजीम के नाम पर अपने विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में मैंने उनके नाम पर कंप्लेंट भी किया है, अभी उस पर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, एक हफ्ता हो गया है। मैंने आज जाके वापस उन्हें फॉलोअप लिया तो उन्होंने कहा कि कल आपको बताया जाएगा कि किसने अपॉइंट किया है और अपने आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। क्या कहेंगे कि लगातार इतना आपके बच्चे के साथ आपने जो है खुल करके शिकायत तो की है, लेकिन कितने ऐसे जो है लापरवाही का मामला सामने आया होगा? सर वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे और भी बहुत केसेस जिन्होंने कहा नहीं गया कि नूर हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही होती है, मतलब वहाँ के स्टाफ और वहाँ के डॉक्टर्स बराबर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बस जो मेरे बच्चे के साथ में हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ में ना हो, इस चीज़ को लेके आप अफजल भाई थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको कुछ ना कुछ इनके साथ ज़रूर कीजिए। आपके बच्चे की जान जो है क्रिटिकल हॉस्पिटल में कैसे मतलब ठीक हुई, फिर अभी कैसी है तबीयत? अभी तो सर वो टाइम पे बहुत इमरजेंसी में हम लोग ने रात में एम्बुलेंस में यहाँ से उनको लेके गए थे, तो उसे PICU लगा, उसे बहुत ऑब्जर्वेशन में रखा गया, वहाँ पे उनकी दवा उसका इलाज अच्छी तरीके से हुआ, उन्होंने अच्छी तरीके से किया, तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी बच्चे की तबीयत, अभी वो ठीक है। CPR भी देना पड़ा था? बहुत सर, बहुत कुछ देना पड़ा सर, आप देखते थे बस, अब मैं आपको क्या बताऊँ सर, बहुत कुछ हुआ उसके साथ सर, वो नन्ही सी जान के साथ बहुत कुछ हुआ सर। जिस तरीके से मौत का सौदा और मौत के जो सौदागर है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डॉक्टर की छवि बताकर जो है, जो कि भगवान का दूसरा रूप होते, अपनी छवि बताकर बड़े बड़े जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर की दाग लगाने वाला काम ऐसे जो डॉक्टर है लापरवाही के ज़रिए करते हैं,
और ये डॉक्टर नहीं, ये हम कह सकते गुंडे, और ये जो है मौत के सौदागर है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी बार जो है आरोप लग चुका है न्यू नूर हॉस्पिटल को लेकर, लेकिन उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये जो डॉक्टर है गुंडे किस्म के, ये जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट हो या हायर अथॉरिटी हो, हम इस वीडियो के जरिए अपील करेंगे कि प्रशासन जो है बीएमसी प्रशासन इस पर ध्यान दे, और जो ऐसे तमाम लापरवाही के मामला जिन हॉस्पिटल को लेकर आते हैं, चाहे वो अनरजिस्टर्ड मरियम हॉस्पिटल का हो या न्यू नूर हॉस्पिटल का, इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन अम्मार खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुंबई।